नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं वो ग्राफ्टिंग टेक्निक के बारे में या कलम से पौधा तैयार करने की तकनीक के बारे में, ताकि आप अपने खुद के पौधे तैयार कर सकें बिल्कुल मिनिमम लागत के साथ में, और जो नर्सरी से होने वाली धोखाधड़ी आदि है उससे भी आप बच सकें। तो इसमें हम मुख्य तीन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले एक तो ये रहेगा कि व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग, मतलब कलम क्या होती है। दूसरा, आप उसे कैसे लगा सकते हैं, मतलब आप ग्राफ्टिंग खुद की कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तकनीक है जो हम आपको बताने वाले हैं और आप खुद भी कर पाएंगे। नंबर तीन जो है ग्राफ्टिंग या कलमी पौधा है उसके क्या फ़ायदे रहते हैं। आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है कि ग्राफ्टिंग होता क्या है। तो ग्राफ्टिंग वो तकनीक है जिसमें हम दो सेम प्रजाति के पौधों के गुणों को मिला के जो वैरायटी का रिज़ल्ट हमें चाहिए वो हम लेते हैं। तो ये यूजुअली फ्रूट जो प्लांट्स होते हैं, फलदार पौधे होते हैं, उसमें इस्तेमाल में किया जाता है, जिसमें एक ऐसा पौधा जिसकी जड़ें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मजबूत है, कम बीमारियां आती हैं, और दूसरा वो जिसकी जो है वैरायटी, जो फल की जो वैरायटी होती है बहुत अच्छी होती है और वो हम मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, वो हम ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो उस तकनीक को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अब हम आते हैं कि ग्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग के कई तरीके होते हैं जो अपनाए जाते हैं, जैसे कि साधारण कलम बंधन, मतलब सिंपल ग्राफ्टिंग, टोंग ग्राफ्टिंग मतलब जीवा कलम बंधन, या जो साइड ग्राफ्टिंग होती है। तो ये तीन चार तरह की मतलब जो है ग्राफ्टिंग की जो तकनीक है इस्तेमाल में की जाती हैं, परंतु हम आपको केवल जो बिल्कुल आसान ग्राफ्टिंग की तकनीक है वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल ग्राफ्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। कोई भी ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको पौधे के दो हिस्सों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है सेक्शन, जिसे संकुर शाखा कहा जाता है, जो पौधे का आगे चल के ऊपरी हिस्सा बनता है, या तना भी हम कह सकते हैं। दूसरा होता है स्टोक, जिसे मूल वृंत या आगे चल के जो पौधे का वो हिस्सा जो जड़ बनता है। तो इसके लिए आपको जड़ जो हिस्सा है उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको कोई बीजू पौधा तैयार करना होता है, मतलब जो बीज से उगा हुआ हो वो अगर आप पौधा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं काफ़ी अच्छी रहती हैं और ज़्यादा न्यूट्रिशन सोखती हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उन जड़ों की ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप कोई बीजू पौधा उगाइए। जब उस पौधे का हाइट 6 इंच 8 इंच से ज़्यादा हो जाता है उसके बाद आप उसको ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन के लिए आपको कौन सा हिस्सा लेना है, मतलब जो आपको तना बनाना है, जो वैरायटी आपको चाहिए। तो आपको उस पौधे की टहनी काटनी है जिसकी वैरायटी आप लगाना चाहते हैं, मतलब जो बेस्ट वैरायटी का जो आपका फलदार पौधा है उसकी आपको कच्ची शाखाएँ काटनी है जिन पर नई नई बड्स आई हुई हों। तो जब आप कटिंग करते हैं, कटिंग का साइज़ ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसको काटते हैं तो कम से कम उसके ऊपर एक बड अवश्य हो। दूसरी बात, जो काटने के लिए आप इस्तेमाल करते, कोई भी औजार इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड है, चाकू है, तो बहुत शार्प होना चाहिए और उसके ऊपर कोई जंग लगा हुआ ना हो, ताकि कोई बीमारी ना आए। अब बात करते हैं बांधने का। तो दोनों को इस एंगल से काटो कि जो आपने बीजू पौधा है उसको भी उस एंगल से काटना है, और जो आप स्टेम यूज़ कर रहे हैं सेक्शन के लिए, तने के लिए, उसको भी उसी एंगल से काटना है। काटने के बाद आपको दोनों को मजबूती से प्लास्टिक के साथ रैप करना है, बांधना है। बांधने के बाद जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं उसको आपको कवर कर देना है। तो ये है सिंपल ग्राफ्टिंग जो आप आसानी से कर सकते हैं। किस किन फसलों में, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं आप उसमें इस मेथड का इस्तेमाल करके आसानी से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट आपकी प्रति पौधा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रुपए के बीच में रहेगी। तो इस तरह से अगर आप नींबू के पौधे तैयार करते हैं तो आपका एक एकड़ में लगभग अगर आप 400 पौधे लगाते हैं तो 15 के भाव में आपका जो 6000 रुपए में पूरे पौधे आपके एक एकड़ के आप घर पे तैयार कर सकते हैं। जबकि अगर आप मार्केट से ख़रीदेंगे तो 150 रुपए से 200 रुपए तक के भाव के आपको जो है ग्राफ्टेड पौधे देखने को मिलते हैं। ग्राफ्टिंग में एक और तकनीक होती है जिसे साइड ग्राफ्ट कहा जाता है, जिसमें एक छोटी बड को टहनी के साइड में बांध दिया जाता है और जब वो फुटाव लेती है तो पहले वाली टहनी को काट दिया जाता है। इसके लिए काफ़ी अनुभव की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने जो आपको साधारण ग्राफ्टिंग की तकनीक है वही आपको बताई है, जिसे इस्तेमाल करके आप जो है अपने कलमी पौधे तैयार कर सकते हैं।
अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग के फायदे क्या होते हैं। तो ग्राफ्टिंग के तीन मुख्य फायदों में से पहला फायदा है, जो पौधे बीज से जल्दी फल नहीं देते हैं वो ग्राफ्टिंग विधि से पहले साल से ही फल देना शुरू कर देते हैं, तो इससे किसान को जो है ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जो इसका दूसरा फायदा है वो है कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो ग्राफ्टेड पौधे में ज़्यादा होती है, अगर आप उसकी जड़ वाले जो पौधे हैं उसकी गुण क्षमता अच्छी है। तो नंबर तीन पे अगर हम बात करते हैं तो तीन पे मुख्य है, पौधे की ऊंचाई कम रखी जा सकती है अगर आप ग्राफ्टिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है किसान को जो है फल तोड़ने में आसानी रहती है। ये तकनीक ज़्यादा इस्तेमाल में की जाती है किन्नू माल्टा या फिर जो सेब के पौधे होते हैं उसमें भी इस तकनीक का काफ़ी फायदा रहता है। तो ये थी पूरी जानकारी ग्राफ्टिंग से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी उन तक पहुँचे और वो सस्ते में अपनी बागवानी के लिए पौधे तैयार कर पाएँ। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।